the very next day. You boom boom brrr, boom. Hello everyone, welcome to T4T tutorials. Or आज हम करेंगे ब्लेंडर कह रहा हूँ आफ्टर इफेक्ट ट्यूटोरियल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मास्किंग के बारे में. मास्किंग होती है किसी चीज़ को कट आउट करना. जैसे कि मुझे इस लेयर में, ये जो मेरी लेयर कह रहा हूँ वीडियो में, ये जो करेक्टर्स हैं, चार करेक्टर्स हैं, मैं इनको मास्क करना चाहता हूँ. मतलब इनके इर्द गिर्द मैं एक लेयर क्रिएट करूँगा, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ मैं कौन सी लेयर होगी वो. सबसे पहले तो आप अपना पेन टूल लो, जिसका शॉर्टकट है जी, जो होगी इस लाइनों की जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ. आप वीडियो को जूम इन भी कर सकते हो और देख सकते हो. जैसे कि मैंने यहाँ बहुत गंदी की, तो मैं यहाँ से थोड़ा सेट कर लेता हूँ. इसी तरह पहले आप सिर्फ लेफ़्ट क्लिक करते जाओ और ना इसके ना आउटर साइड पे, जैसे कि पेंट है, मैं इसके आउट साइड से इसको ट्रेस कर रहा हूँ. सेम काम आप कीजिए. ओके, तो जब आपने इसको पूरा इसके इर्द गिर्द ये लेयर क्रिएट कर ली, जो मैंने फ़िलहाल कर दी है, और आप एंड पे पहुंच गए हो जहां से आपने शुरू किया था, तो आपको आखिरी काम क्या करना है. आपको इधर बस जहां से आपने शुरू किया था वहीं पे दोबारा क्लिक करें तो ये कंप्लीट हो जाएगा. और अब देखें, जरूर मैं ज़रा इसको सेट कर लूँ. अब आप देखो तो जो है अपना आफ्टर इफेक्ट ने इसको अलावा सब कुछ ख़त्म कर दिया है. तो अब मैं बैकग्राउंड वापसी चाहता हूँ भाई, मेरे को बैकग्राउंड भी चाहिए. तो मैं इसी वीडियो को करता हूँ कंट्रोल सी से कॉपी, फिर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ. और मैं निचली वीडियो के यहाँ इसको खोलता हूँ और इधर से जो मास्क है इसके मास्क को डिलीट कर देता हूँ. तो अब देखो सब कुछ वापसी आ गया, पर वो जो मैंने ये मास्किंग की थी वो अब तक यहाँ पर है इस ऊपर वाले वीडियो के अंदर. अब मैं इसके अंदर किसी तरह की भी चीज़ें कर सकता हूँ, जैसे कि मैं नीचे वाली लेयर को ब्लैक एंड वाइट कर देता हूँ. यहाँ ये जो इफ़ेक्ट्स हैं, प्रीसेट्स हैं, यहाँ से अगर मैं ब्लैक सर्च करूँ तो ये देखो ब्लैक एंड वाइट आ रहा है. तो वो नीचे वाली लेयर, नीचे वाली वीडियो ब्लैक वाइट होगी, ब्लैक एंड वाइट, और ऊपर वाली अभी तक कलर ही है. सो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो लेयर्स के से, और लेयर्स कह रहा हूँ मास्किंग से. मास्किंग के हंड्रेड्स ऑफ फीचर्स हैं, सारे तो मैं आपको एक वीडियो में नहीं बता सकता, पर इस तरह आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मास्किंग को यूज़ करते हो. और मास्किंग एक ऐसा काम है जो बहुत टाइम लेता है, इसलिए इससे बचो. ये मास्किंग का सिंपल सा ट्यूटोरियल था, और आप मास्किंग के साथ कुछ और चीज़ें भी कर सकते हो. सॉरी, ये मास्क का खोल के उसके बाद ये मास्क फिदर मास्क कस्ट्री में मास्क पास ख़त्म कर दूँ, और मास्क एक्सपेंशन आपको ये चार चीज़ें दिख रही हैं. रुको मैं ज़रा ना ये वाई, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये जो ये मेरा मास्क है ना ये दिखे, नीचे वाली वीडियो ना दिखे. तो मैं इधर क्लिक करता हूँ तो वो सब कुछ गायब हो जाएगा. तो मैं आपको दिखाता हूँ इनसे क्या होता है. तो अगर मैं इधर फिदर बढ़ाऊँ तो आप देखो जो पीछे वाली लेयर है वो भी आहिस्ता आहिस्ता नज़र आने लग गई है. और उसके बाद ऐसा होगा कि पीछे वाली लेयर दिखने लग जाएगी और जो हमने मास्क किया ना वो फेड होने लग जाएगा, मतलब गायब, काला होने लग, गायब होने लग जाएगा. एक्चुअली देख रहे हो ये कितने किस हद तक काला हो गया, और पीछे वाली लेयर मेरे को किस हद तक नज़र आ रही है. ये 256 से ज़्यादा होता है, और अब तो सभी गायब हो रहा है. तो अगर आपको मास्क यूज़ करने का फीचर ये होता है कि ये जो एजेज है ना ये थोड़ी स्मूथ हो जाती हैं, यहाँ पर ना थोड़ी ना रियलिज्म आ जाती है. मैं 3 तक करता हूँ तो ये बेटर है. उसके बाद है मास्क ओपेसिटी, मतलब कि मैं इसको गायब करना चाहता हूँ तो मैं इसको यूँ करूँगा तो ये गायब हो जाएगा, यूँ करूँगा तो ये दिखेगा, मतलब 100 पे ये नज़र आएगा और 0 पे ये गायब हो जाएगा. उसके बाद एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ये चीज़ है, जैसे ये साइडों वाली चीज़ें दिखा रही थी, ये भी साइड वाली चीज़ दिखाएगी, पर इस पर कोई असर नहीं डालेगी. जैसे कि ये ब्लैक हुआ जा रहा था उस तरह इस पर कोई असर नहीं डालेगी, बस साइड वाली चीज़ें आपको नज़र आने लग जाएंगी.
ये एक आप कूल सी एनिमेशन बना सकते हो, जैसे कि मैं अब यहाँ पर एक फ्रेम ऐड करूँ आपको, मैं टाइमलाइन वाले ट्यूटोरियल में बताया आप किस तरह बेसिक एनिमेशन बनाते हो। यहाँ पर आपको क्लॉक पे क्लिक करना होता है और यहाँ देखो तो ये काइट सा सिंबल बन गया, मतलब यहाँ पर एक फ्रेम सेट हो गया कि यहाँ पर जब वीडियो होगी तो इसकी वैल्यू होगी -42, वहीं मैं 2 सेकंड के बाद इसकी वैल्यू कर देता हूँ फुल्ली जितनी हो सकती है 1000। हाँ तो अब ये देखो आहिस्ता आहिस्ता वो वैल्यू बढ़ेगी। अब प्ले करते हैं, स्टार्ट। मुझे इसकी आवाज़ नहीं सुननी। स्टार्ट। यस, काफ़ी अजीब सी एनिमेशन है। ओके, तो ये थी मास्किंग। उप्स, मेरे से यहाँ पर एक फ्रेम ऐड हो गया जिसको मैं डिलीट करके आराम से ख़त्म कर सकता हूँ। सो मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, या तो इसको मैं 0 कर देता हूँ। अब एनिमेशन प्ले होगी तो जब ये दिख रहा होगा पहले और फिर ये कदम स्टार्ट दिखने लग जाएगा। इसका मैंने म्यूजिक बंद कर दिया पर इसका नहीं किया, तो इस वजह से वो सुनाई दे रहा था। सो आपको ट्रैकिंग के बारे में समझ आ गया, ट्रैकिंग कह रहा हूँ, मास्किंग के बारे में समझ आ गया होगा। और एक चीज़ बता दूँ, मैं पेन टूल का शॉर्टकट है जी, आप जी से कभी भी पेन टूल सामने ला सकते हो और मास्किंग स्टार्ट कर सकते हो। और आपको जैसे कि यहाँ पर 2 वीडियोज़ हैं, ये दो ये गलती से क्रिएट हुआ है, तो आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको मास्किंग करनी किस पे है। और एक और बात मैं ज़रा बताना भूल गया, ये तो था कि जब आपको ये ऐड करना था, ये जो अपना करेक्टर है उसको, इसकी एनिमेशन ख़त्म करता हूँ और फुल वापसी जाता हूँ। और क्या, हाँ इसको 0 करता हूँ। हाँ तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये जैसे कि मैं चाहता था कि ये दिखे और बाकी सब गायब हो जाए, अगर क्या हो कि अगर मैं चाहूँ कि ये ना दिखे बाकी सब दिखे, तो मैं इस ऐड को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो अब वो काला हो गया और बाकी सब दिख रहा है। वो काला इसलिए हो गया क्योंकि हमारे बैकग्राउंड काले कलर का है। अब आपको ज़्यादा फील आएगा कि ये गायब हो गया और बाकी सब दिख रहा है। उसके बाद ये इंटरसेक्ट वगैरह पे मेरा कभी काम, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं, इसको मैंने चेक नहीं किया कि क्या करता है, बट ये तो कुछ भी नहीं करता है। सब्ट्रैक्ट से ये ख़त्म हो जाता है और ऐड से ये ऐड हो जाता है। अब पूरा हुआ मेरा मास्किंग का ट्यूटोरियल, तो उम्मीद है आप लोगों को जो कुछ मैंने बताया समझ आई होगी, नहीं आई तो कोई और किसी और का ट्यूटोरियल देख लो। अल्लाह हाफिज़।